नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अवंतिका। बिहार में पटना नगर निगम के साथ साथ राज्य के 68 नगर निकायों में आज शाम 5 बजे मतदान संपन्न हो गया। पटना में मेयर, उपमेयर और पार्षद के लिए वोट डाले गए। आपको बता दें, इस बार वोटरों में चुनाव को लेकर कोई खास उत्साह नहीं देखने को मिला और ठंड बढ़ जाने के कारण भी वोटर बाहर नहीं निकले। वहीं दूसरी तरफ हर बूथ पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। इसके बावजूद कुछ जगहों पर हल्की फुल्की नोकझोंक की बातें सामने आती रही। वहीं कुछ बूथों पर बोगस की वोट की बात भी सुनने को मिली, जिसमें एक महिला ने बताया कि उसका वोट कोई और दे दिया है, जबकि उसने वोट नहीं डाला। मैडम, आप यहाँ पे अभी मतदान देने आई हैं? जी जी जी। क्या हुआ है आपके साथ? हम आए हैं यहाँ पर, माने चिरकुट अपना दिए हैं नाम निकालने के लिए। हुआ कह रहे हैं कि जो आपका वोट कोई दूसरा आदमी गिरा कर चल गया है। अच्छा, आपका वोट कह रहे हैं कि पड़ गया है। पड़ गया। आपने मिलान किया? आप नाम पता सब बताया? आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दीना देवी। और आपके पति का नाम? श्री शैलेंद्र प्रसाद। एड्रेस क्या है? न्यू अलकापुरी। और आपका मतदान केंद्र कौन सा था? बस यही है। नाम जानते हैं मतदान केंद्र का? सामुदायिक भवन। यहाँ जब आप पहुँची तो आपका वोट गिरा हुआ है। अपने मतदान का उपयोग करने बुजुर्ग महिला, व्हीलचेयर पर बुजुर्ग भी आते दिखे। आप अपने मताधिकार का प्रयोग करने आए हैं? आप अपने मत का प्रयोग करने आए हैं? मताधिकार है जी। मत का अधिकार तो हमारा बर्थ राइट है जी। हम तो दे दीजिए, दिला दीजिए जी। आप अच्छा, किन कैसे लोगों को देना चाहिएगा? जो विकास करेंगे, जो डेवलप करेंगे सारा कुछ, या जो जो विकास करेगा, डेवलप करेगा, सबको मिला जुला कर रखेगा, उनको वोट देंगे और क्या। वही शाम 5 बजे मतदान समाप्ति के बाद नगर निकाय चुनाव का दूसरा चरण समाप्त हो गया और प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में बंद हो गया। आपको बता दें, आप 30 दिसंबर को मतगणना होना है, जिसमें प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला चिराग में से निकल कर बाहर आएगा कि आखिरी मतदाताओं ने किसको गले लगाया है और किसको अपने से दूर किया। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।